हेलो एवरीबॉडी, रेलवे ने नई वैकेंसी निकाली है। क्या क्या पोस्ट है और कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। फुल नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है। यदि आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सती राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। दोस्तों आपको बार बार एक इमेज मिल रही होगी जिसमें बताया गया कि ये रेलवे की नोटिफिकेशन है और एडवर्टाइजमेंट बताई जा रही है 3/2018 है। इससे पहले वाली जो लोको पायलट वाली है वो 1/2018 है, उसके बाद जो डी ग्रुप वाली है वो 2/2018 है। तो दोस्तों अब ये बताई जा रही है कि 3/2018 एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसमें जो पोस्ट बताई गई है वो टिकट कलेक्टर की, गुड्स गार्ड की और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की। तीन वैकेंसी के लिए फार्म बताए जा रहे हैं कि निकलने वाले हैं और लगभग 7,000 के आसपास पोस्ट इसमें पॉसिबल है, निकलने वाली है। जो इसमें स्टार्टिंग डेट बताई है फार्म भरने की वो 4 अप्रैल से बता रहे हैं फार्म स्टार्ट हो जाएंगे सुबह 10 बजे से। उसके बाद जो लास्ट डेट फार्म भरने की वो 6 मई बताई जा रही है, रात के 11 बजे तक फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पेमेंट है वो 6 मई तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। यदि आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा पेमेंट कर रहे हो, ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो, तो आप 4 मई तक पेमेंट कर सकते हो, ऐसा उस इमेज में बताया गया है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज है यदि ये सच है तो, और ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है, ऑफिशियल नोटिस बताया जा रहा है। तो मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे ये है कि आपने शायद सुबह वाली वीडियो देखी होगी मेरी, मैंने जिसमें बताया था कि 1,10,000 वैकेंसी होने वाली है और उसमें 20,000 वैकेंसी आरपीएफ और आरएसपीएफ के बारे में ही बताया है। इनके बारे में कोई नोटिफिकेशन वहां पे नहीं बताया, इनका कोई जिक्र नहीं हुआ। तो हो सकता है ये सच हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं मेरा पॉइंट बता रहा हूँ। फिर भी आगे देखते हैं क्या होता है, निकलती या नहीं निकलती। बहुत जल्द टाइम दिया हुआ इसका, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 90% फेक है और एक्चुअल तो स्टार्ट होगी तभी पता चलेगा। तो यही चीज आपके साथ शेयर करनी थी। आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है, और आपको क्या लगता है ये फेक है या ओरिजिनल है आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।